यूपी के बरेली में फिर माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई है। थाना भोजीपुरा इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो समुदाय आमने सामने आ गए। मारपीट हंगामे के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारियों ने कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए हैं। एहतियातन गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। पुलिस टीमें बवाल करने वाले खुरापातियों की तलाश में जुटी हैं। घटना बरेली के मझुआ गांव की है, जहां मंगलवार दोपहर मुहर्रम के जुलूस के दौरान टकराव देखने को मिला है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जुलूस में डीजे को लेकर कार्टूनी हुई और देखते देखते दोनों ओर के लोग मैदान में आ गए। देर तक पत्थरबाजी होती रही। भीड़ में शामिल खुरापातियों ने गांव में दुकानों को भी निशाना बनाया। महिलाएं भी बवाल में शामिल नजर आई हैं। अफसरों ने मीडिया को बताया है कि गांव में हालात अब पूरी तरह नॉर्मल हैं और पुलिस तेजी से कार्रवाई में जुटी है। जैसे कि आप जान रहे हैं, ताजिए का जुलूस निकल रहा था, उस पर एक पक्ष को ये हुआ था कि उस पर बहुत ज़्यादा डीजे जारी लगा है। उनसे वार्ता करके वो डीजे उतरवा दिया गया और बातचीत करके उसको रवाना किया जा रहा है। और कुछ लोगों की पहचान की गई है, हाँ देखिए, अगर झड़प हुई है उसमें हम तुरंत मौके पर पुलिस पहुंच गई, स्थिति सामान्य कर दी गई है और सकुशल ताजिया निकल रहा है और स्थिति इसमें लॉ ऑर्डर की सामान्य है। जिन लोगों ने शरारत करी है उनकी पहचान करके कार्रवाई की जाए। तो डीजे को लेकर के था कि डीजे इसमें ज़्यादा है, उस पर बात करके उसको कम करवा दिया गया। क्योंकि मातम का त्यौहार है, डीजे सीमित मात्रा में ही बता दिया गया। इस समय स्थिति सामान्य है और सकुशल ताजिया निकल रहा है। कहाँ रहते हैं आप? मझुआ में। आज क्या हुआ, क्या मामला है? ज्यारत को उठा रहे थे, इसके पीछे विवाद हुआ। क्या विवाद हुआ? विवाद ये हुआ था सर कि हर साल तो ज्यारत निकलती है, हर साल मेला होता है, ये तो हाल होता है, लेकिन बच्चे डीजे ले आते तो वो लोग मना कर रहे थे कि हम डीजे नहीं बजने देंगे। फिर वो डीजे पुलिस ने निकलवा दिए थे, बोले निकाल तो अपना बंद करो डीजे। डीजे बंद होगी, ज्यारत आ रही थी, बचते हुए बोला रहे थे, तो इन्होंने पत्थरबाजी कर। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।